नर्मदे हर। ये देखिए नर्मदा जी का पावन दृश्य। यहाँ बहाव बहुत तेज है पानी का। ये चट्टानें देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम लोगों को देखिए एक सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। आज हमें ऐसे संत के दर्शन होने वाले हैं या उनसे कुछ उनका सानिध्य मिलने वाला है, जो महाराज जी कई वर्षों से, लगभग 36 वर्षों से लेटे ही नहीं हैं, लेटते ही नहीं हैं, और ऐसे ही तरोताज़ा रहते हैं हमेशा, और उनके शरीर पे न चेहरे पे कोई थकान भी महसूस नहीं होती है, बहुत ही स्फूर्ति। तो ये स्नान कर रहे हैं महाराज जी। स्नान करने के उपरांत थोड़ा सा सानिध्य प्रभु का मिल जाएगा तो हम अपने दर्शकों को भी उनके मुखारविंद से कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। स्नान करने के उपरांत महाराज जी ने देखे नर्मदा जी की स्तुति की, और स्तुति के साथ नारियल समर्पण किया, और देखिए कन्याओं को भी महाराज जी ने दक्षिणा दी है। ये हमारे सनातन धर्म का ये है। लोग कहते हैं कि साधु महात्मा केवल लेना जानते हैं। देखिए एक महात्मा जी किस तरीके से कन्या को दक्षिणा दे रहे हैं और उसके पैर भी स्पर्श कर रहे हैं। नर्मदे हर, यही तो है हमारा सनातन धर्म। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी कहाँ स्थान है आपके? मैं महामंडलेश्वर भैयादास जी मेरा नाम जी, और श्री बालाजी धाम डुंडाहेड़ा बागपत में, दिल्ली के पास मेरा आश्रम है। दूसरा श्री राधा हर सिद्धि आश्रम गोवर्धन में मेरा आश्रम है जी। गोवर्धन में भी है? गोवर्धन में। तो यहाँ नर्मदा परिक्रमा में आए हैं? नर्मदा परिक्रमा में हर वर्ष करता हूँ, माँ की कृपा से सब कुछ काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। माँ से मुझे बहुत लगाव है, माँ की बड़ी कृपा है, माँ के बड़े चमत्कार हमने अपने जीवन में देखे जी। बस माँ की कृपा से मैं हर साल परिक्रमा करना। जैसे महाराज जी नर्मदा जी का अपने उत्तरांचल में कम लोगों को महत्व मालूम है, तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग देवी और देवता होते हैं। जी जी होती हैं जी जी। बाकी नर्मदा तो जो उत्तराखंड में जो साधु संत है उनको तो सभी को पता है जी। असल क्या हम लोग अपने सनातन को जानते नहीं जी, दूसरा जो कह देता उसी बारे में मान लेते हैं। को अगर हम गहराई से देखेंगे तो हमारे तो देवी देवता ऐसे ऐसे काम करने वाले, धन्ना भगत का खेत उपजायो, नामदेव छैन छान छवाई, सैन भगत का संसय मिटो, आप बने हरनाई, भगवान तो नाई बन गए, किसान बन गए, भगवान तो ने तो पता नहीं क्या क्या अपने भक्तों के लिए काम करा है। हम उसके लिए जानेंगे जब भी तो पता लगेगा। नर्मदा आप आए, आप चार बता रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था कि आप चार महीने से नर्मदा किनारे हैं जी, तो आपको आनंद आ रहा है जब भी तो चार महीने से यहाँ आए, आत्मिक शांति मिल रही है कि आत्म शांति या मोक्ष भी या सिद्धि अगर एक वर्ष माँ के तट पे कोई सेवा कर ले बैठ के जी, जी। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो सिद्ध बन जाएगा, ऐसी माँ नर्मदा है, हमने खुद अनुभव करा है माँ के चरणों में। महाराज कुछ अनुभव साझा कीजिए जो हमारे दर्शक देख सकें। मैं तो अपने जीवन में अनुभव करे हैं जी नर्मदा जी के बारे में कुछ ऐसा। नर्मदा जी के बारे में मेरा मुंह छोटा है, बात बहुत बड़ी है, मैं कहाँ तक करूँगा उनकी बड़ाई, नहीं कहाँ तक करूँ बड़ाई, उनका तो वर्णन नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन कुछ ऐसा जिससे प्रोत्साहन मिल सके हमारे दर्शकों को। मुझे इतना पता है कि मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ जी,
नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ जी जी, दिन भर सुबह 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे मैं गाड़ी की स्टेयरिंग पे बैठ जाता हूँ जी, दिन भर जगह जगह घाट उतरता हूँ चढ़ता हूँ, रात को 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक 10 बजे 11 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ जी, और पूरी रात में कुर्सी में बैठा रहता हूँ, मैं लेटता ही नहीं। तो ये माँ शक्ति दे रही है, तो जब भी तो ये माँ का चमत्कार इससे बड़ा क्या है। हाँ जी प्रभु, अभी किसी ने बताया आप लेटते नहीं, कितने वर्ष से नहीं लेट रहे हैं? 36 वर्ष हो गए मैं लेटता ही नहीं। 36 वर्ष से आप लेटते ही नहीं है? बस एक बार 36 वर्ष में एक बार ऑपरेशन हुआ था जी, अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गई थी जी, तो डॉक्टर ने लेटाया था। जब डॉक्टर ने लेटाया था जी। आपकी नींद वगैरह कैसे पूरी होती है? तो नींद सब माँ करती है, बैठा रहता हूँ, बैठे बैठे भजन करते करते केवल ऐसे चेयर पे बैठे रहते हैं हमेशा। 36 सालों पहले खड़ा रहता था, 6 साल 6.5 साल खड़े रहा, 6 साल मौन रहा। अच्छा, माँ की कृपा है, माँ बड़ी चमत्कार। प्रभु 36 वर्ष तो बहुत हो गए, शरीर में पेन एन वगैरह कोई दिक्कत कुछ नहीं? कुछ नहीं, सब माँ की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 36 साल से बस दिन भर गाड़ी चलाता हूँ, आश्रम में रहता हूँ तो आश्रम में दिन भर काम करता हूँ, आश्रम में रहता हूँ तो दिन भर आश्रम में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, 50 बेर जिन्ना चढ़ता हूँ, 50 बेर उतरता हूँ। प्रभु बहुत ताज्जुब वाली बात है कि 36 वर्ष से आप लेटे नहीं है। छत्तीस वर्ष से कृपा है सब जी, हनुमान जी का चमत्कार मैंने देखा। मैं बीमार था बहुत ज्यादा, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। अच्छा, एक दिन मैंने एक्सरे गोली रिपोर्ट सब इकट्ठे करे, सब में आग लगा दी। उम्र ज्यादा ज्यादा उस समय 17, 17.5, 18 साल की थी। अच्छा, 18 साल हो गए। माँ की कृपा से सब में आग लगा दी कि हनुमान जी का नाम लेके कि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज तूने मुझे आज अगर ठीक कर दिया तो मैं जीवन भर के लिए तेरा हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, और हनुमान जी कृपा से जितनी देर में हमने बात करी इतनी देर में मैं ठीक होकर बैठ गया, जो डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। अच्छा, ठीक होगा। अरे बस उसके बाद 3 साल मैंने एक कंपनी थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं ठेकेदारी का काम करा। अच्छा, और बस 3 साल बाद भगवान ने 21 साल की उम्र में अपने श्रम में ले लिया। जब से प्रभु ये संन्यास जीवन में आने की प्रेरणा कैसे हुई? यही चमत्कार। अच्छा, केवल इसी की वजह से? इस चमत्कार को देखने के बाद जी, तो मैं डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, भगवान की कृपा से मैं ठीक होगा। तो मुझे तो हनुमान जी ने पकड़ के बुलाया अपने शरण में, फिर देह चमत्कार, इतने चमत्कार, इतने चमत्कार, यहाँ तक कि हमारे जो स्थान है जो मैंने बाबूजी बनने से पहले बनाया उसमें 5 तो मुर्दे जिंदे हुए आज भी है। अच्छा, पता लगा लियो। अरे एक एक दो दो घंटे बाद उन्हें सांस वापिस आया। ओ तो ऐसे हैं, अभी भी जीवित हैं। मैं नंबर दे रहा हूँ, फोन नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर दूंगा। शिवनाम महाराज जी, महामंडलेश्वर भैयादास में, भैयादास जी बागपत जिले की मेरी जन्मभूमि है। अच्छा अच्छा, बागपत जिले में खेकड़ा तहसील है, खेकड़ा तहसील में फिरोजपुर गांव है। अच्छा अच्छा, फिरोजपुर गांव की मेरी जन्मभूमि है, प्यारी ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा अच्छा, और आसपास भी मेरे 6-7 स्थान हैं जी जी, बहुत बड़ा आश्रम है बागपत, दिल्ली सहारनपुर रोड पे श्री बालाजी धाम के नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, गूगल पे भैयादास जी डालेंगे तो लोकेशन आ जाएगी। आ जाएगी, सैकड़ों गायें हैं, ठीक, डेली भंडारा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अब गोवर्धन में भी काफी बड़ा आश्रम है जी जी, माँ नर्मदा के किनारे बनाने की इच्छा है, साधु माँ ने चाहिए तो अब की बार झंडा गड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माँ नर्मदा के किनारे भी एक आश्रम बनाने का जी जी, हर साल आता हूँ, मन साल भर में 5-6 बार माँ अपने दरवाजे बुलाती है जी, और मन करता है कि भाई हीरो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, यहाँ से जाने का मन नहीं करता महाराज, मजबूरी। आप तो सन्यासी हैं, हम ग्रस्त हैं, हमारा मन नहीं करता जाने को, आश्रम की व्यवस्थाओं के लिए जाना पड़ता, नहीं तो जाने को मन ही नहीं करता, क्योंकि 6-7 स्थान है, सबकी व्यवस्था करनी, तो उन व्यवस्थाओं के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो इसके तट पे से जाने को मन ही नहीं करता। ये बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, आनंद दायनी है, इतनी आकर्षण, नर्म माने बिल्कुल मुलायम जी जी, नर्मदे हर देने वाली, जो आनंद देने वाली जी, वही माँ नर्मदा है। सब इनके तट पे जो भी साधना करेगा जी, जो कार्य तुम्हारा 10 साल में 20 साल में 50 साल में नहीं सिद्ध हो सकता, मैं विश्वास के साथ कहूँ यहाँ माँ नर्मदा के तट पे बैठ के सेवा करो, जितनी सेवा करोगे माँ 1 वर्ष में तुम्हारा वो कार्य सिद्ध कर देंगे, ऐसी माँ मेरे करे हैं जी। मैंने जो माँ से मांगा है मिला है, वो दिया माँ, जो मांगा वही दिया, अब साधु हम क्या मांगेंगे। वैसे महाराज जी बताते हैं परिक्रमा के दौरान माँ एक बार दर्शन जरूर देती है। एक बार नहीं, हमने कई बार, अच्छा कई बार दर्शन करा चमत्कार जी, तो परंतु क्या करें,
दुर्भाग्य है उस समय नहीं पहचान पाते, उस समय नहीं पहचान, जब वो वहां से अंतर ध्यान होगी, जब अंतर ध्यान होगी, जब अरे करेगी तो माँ कहाँ गई, कहाँ गई है ये है माँ का चमत्कार। आपके साथ क्या घटना हुई? अब मैं जल्दी में थोड़ा बताता हूँ, बहुत सारी घटना है तो कभी फिर बात करना। मैं चमत्कार माँ इतने सारे चमत्कार बहुत उनके तो अनगिनत चमत्कार हैं। माँ का नियम है कि पार नहीं कर सकते, पार नहीं करनी चाहिए धोखे से। अब जितने डिंडोरी की तरफ जाएंगे ऊपर जाएंगे तो वहाँ छोटी सी धारा है, जांच ही नहीं पड़ती। तो माँ का चमत्कार है कि जैसे ही माँ नर्मदा को पार करने की बात आई, गाड़ी स्पीड पा रही है, एकदम किसी ने शोर मचाया अपना, जबकि उन्हें क्या पता हम परिक्रमावासी, अरे नर्मदा जी आ गई, नर्मदा जी आ गई, नर्मदा जी आ गई, ब्रेक लग गए अपने आप, ब्रेक ऐसा एक दो बार हुआ। अच्छा, अब की बार समुद्र पे हमारा चमत्कार हुआ जी। समुद्र पे जो हम जल लेके चलते हैं परिक्रमा में साथ, ये गाड़ी में जल छोड़ दिया इन सबसे अलग अलग कहा कि जल ले लिया भाई, जल ले लिया, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया। और जो पीने का जल है गाड़ी में, जो पीने का जल रखा बोतल में वो ले लिया, जो माँ का जल है वो छोड़ दिया। जब हम नाव में बैठ गए, नाव चलने में 5 मिनट थी, 5 मिनट नाव में थी, अचानक याद आया कि जल रह गया, याद ही पता, एक बार पूछ मन में ऐसा ही इनसे पूछ लो जल लिया नहीं लिया। तो मैंने इनसे पूछा जल लिया, तो मुझे बोतल दिखा लेगा भाई, ये जल नहीं माँ का जल पूजा वाला, कह लगे वो तो नहीं लिया। तुरंत ड्राइवर को फोन मिलाया, तो भगवान की कृपा से ड्राइवर वहीं खड़ा कि ड्राइवर गया नहीं तो ड्राइवर क्या करते हैं जैसे ही नाव में बैठे लेके चले जाते हैं वापस, उन्हें भी पार आना है। ड्राइवर गया ही नहीं, ड्राइवर वहीं खड़ा जी। हाँ गुरु जी क्या बात है, मरे महाराज जल रहेगा गाड़ी में, नहीं गुरु जी अभी लाया मैं गाड़ी, तुरंत घाट पे नाव के पास गाड़ी लाया। तो ये माँ का चमत्कार था, माँ ने तुरंत याद दिला दे रहे तुम जल तो छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा खंडित हो जाएगी। तो ऐसी माँ दयालु है, बड़ी कृपालु है, और आज तक भूखे नहीं सुलाए माँ ने, बढ़िया VIP हमें तो VIP सुविधा देती है। चकाचक माँ के चरणों में दो, कोई कहता होगी हमें एक टाइम भी भोजन, हमें तो 3-3, 4-4, 5-5 बार चिपटते हैं, कुसामन करते हैं, महाराज जी प्रसादी पाओ, प्रसादी पाओ, प्रसादी पाओ, तो कहाँ तक पाओ, सुबह शाम चकाचक देती है, चकाचक। तो माँ की कृपा है, जो मांगा आश्रम के लिए हमने, देखो हम संसारी चीज तो मांगेंगे नहीं, आश्रम की व्यवस्था मांगेंगे, माँ यहाँ होल बन जाए तो वो होल बनेगा, यहाँ मंदिर बन जाए तो वो मंदिर, अब कहिए गाड़ी आ जाए तो वो गाड़ी आ गई, जो माँ से चाहे भंडारा चले, माँ इतना भंडारा चले, जितना जेब में 1 रुपये नहीं, 10-10 हजार आदमी को रोज का भंडारा चल रहा है, तो माँ की कृपा है, माँ बड़ी दयालु, माँ कृपालु है। माँ के बारे में कहाँ तक इनकी बड़ाई करी जाए, मुझ जैसे मूर्ख पापी को, धूर्त को वो अपने गोद में रख रही है, तो वो बड़ी दयालु है। ठीक है, नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।